बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम आपका यूनिट 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में हमने फ़र्क देख लिया था क्या है लास्ट चैप्टर में, जब हमने स्टार्ट किया था काइनेमैटिक्स का। डायनामिक्स में हम वजूहात जानना चाहते हैं कि कोई भी मोशन किस वजह से हो रही है, उसका क्या रीज़न है। किसी भी हरकत के पीछे जो रीज़न होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो है फोर्स, ताकत। हम ये जानना चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही क्यों कर रहा है, रोटेट क्यों नहीं कर जाता, सर्कुलर मोशन में क्यों नहीं हो जाता। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर जानना चाहते हैं। या कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है तो वो रोटेशन में क्यों है, स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं है। तो ये सारी वजूहात हम यहाँ जानना चाहते हैं। सो उसके लिए हमने इस चैप्टर में पढ़ना है डायनेमिक्स। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका फोर्स। फोर्स यानी कि ताकत या कुव्वत। फोर्स के लिए हमारी अकल से जो करीब तरीन चीज़ है वो है मसल्स फोर्स, जिसको हम जानते हैं कि मसल्स फोर्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर सकते हैं, दूर भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं और करीब ला सकते हैं, पुल कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स का ये दो इफेक्ट है। लेकिन साइंस की जबान में देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम फोर्स के ज़रिए किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस बोर्ड को ताकत लगाता हूँ, अपनी मसल्स फोर्स लगाता हूँ, तो ये पुश पुल नहीं होगा, ये वहीं रहेगा। उसका रीज़न क्या है कि जितनी ताकत मैंने लगाई इस दीवार पर, इन रिस्पॉन्स उसके नतीजे में इस दीवार ने या इस बोर्ड ने मुझ पर उतनी ताकत लगा दी, तो दोनों ताकतें बराबर हो गई। ज़रा यहाँ पे एक और बात जहन में रखिएगा, इसका मतलब ये है कि हमें ये भी जहन में रखना पड़ेगा कि एक से ज़्यादा ताकतें भी अमल करती हैं। ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगा कि ताकतों में किन किन चीज़ों का, किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको फिजिक्स समझने में बहुत ज़्यादा ताकत ही मिलेगी। फोर्स क्या कर सकती है, एक्ट करती है पुश और पुल कराने में किसी भी ऑब्जेक्ट को। अच्छा, अब फोर्सेस के डिफरेंट नाम हैं। जो ताकत मैं लगा रहा हूँ उसको हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स, क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको हमने नाम दे दिया अप्लाइड फोर्स। इसी तरह से मुख्तलिफ नाम हैं ताकतों के। पहले मैं फोर्स को कवर कर देता हूँ कि फोर्स है क्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हमने देखा था जब लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जब भी मैं एक्सेलरेशन का नाम ले रहा था तो साथ में ताकत भी नाम ले रहा था, तो अब वही टॉपिक है। इसका मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही चीज़ है। जब भी एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि ताकत लगी हुई है, यानी कि ताकत की वजह से एक्सेलरेशन होता है। फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ बराबर है एक्सेलरेशन के, यानी फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही बात है। जब ये एक ही बात है तो दो अलग-अलग नाम क्यों दिए। इसमें एक और चीज़ का असर है, वो मैं आपको एक क्वेश्चन करके समझाना चाहूँगा। वो क्वेश्चन क्या है कि देखें, अगर आप कोई लाइटर वेट है, कोई हल्का ऑब्जेक्ट है, वो अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो हम कहेंगे कि ताकत तो लगी हुई है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लेता हूँ दो बॉक्सेस, एक ये छोटा बॉक्स है, एक ये बड़ा बॉक्स है, दोनों इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब 100% ताकत लगी हुई है। जब भी आप एक्सेलरेशन देखेंगे तो ताकत लगी हुई है। एक्सेलरेशन का मतलब ज़रूरी नहीं है, ये बात भी आप जहन में रखें, एक्सेलरेशन दो काम करता है, या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड अप करता है, स्पीड अप से मुराद के स्पीड से मुतालिक जो भी बातें हैं, स्पीड अप करेगा, स्पीड डाउन करेगा, रोक देगा या डायरेक्शन बदल देगा, ये तमाम काम करेगा। अच्छा, दूसरा एक और काम भी एक्सेलरेशन करता है, जो मैंने लास्ट वर्ड इस्तेमाल किया, डायरेक्शन का बदल जाना। जब मैंने ये वर्ड लास्ट में इस्तेमाल किया तो हुआ क्या था कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था और ताकत लग गई अगर इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट कर रहा है, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, ताकत यहाँ लग गई तो ये स्लो हो रहा है, डिसेलरेट कर रहा है, एक वक्त आएगा रुक जाएगा और डायरेक्शन चेंज कर लेगा, यानी रहेगा इसी स्ट्रेट लाइन में। लेकिन ज़रा यहाँ पर गौर करें कि ये किस वजह से हो रहा है। एक और पॉइंट यहाँ पे साथ साथ समझाना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होंगी। वो पॉइंट क्या है, आप देखें कि ताकत को मैं कहीं से भी लगा पा रहा हूँ, डायरेक्शन और मोशन पे वो डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ताकत की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि असर क्या होगा इस ऑब्जेक्ट पर। अगर ये रुका हुआ है तो मेरी अगर ताकत यहाँ है तो ये यहाँ चल पड़ेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है यहाँ से ताकत लगाऊंगा तो यहाँ चल पड़ेगा, अगर ये रुका हुआ है यहाँ से ताकत लगाऊंगा तो यहाँ चल पड़ेगा। अब चलेगा तो, लेकिन जब तक ताकत लगी रहेगी ये एक्सेलरेट करता रहेगा। वर्ड एक्सेलरेशन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ताकत के साथ वर्ड एक्सेलरेशन लगाया हुआ है। एक्सेलरेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एक्सेलरेट करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि ताकत लगी हुई है। अब हरकत का होना ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट, क्या ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्ट आपको मोशन में नज़र आ रहा है तो वो एक्सेलरेट ही कर रहा होगा, क्या ये ज़रूरी है? नहीं, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी में भी हो सकता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मोमेंटम पढ़ेंगे। सो इट मींस के अगर हरकत में है और मुसलसल एक्सेलरेट कर रहा है तो इट मींस के ताकत लगी हुई है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप ये पहचान जाएंगे।
अभी हमने केस देखा कि जब ये रुका हुआ था तो ताकत का क्या असर होगा, लेकिन अगर ये चल रहा है पहले से, अब अगर ताकत में मुख्तलिफ डायरेक्शन में लगाता हूँ, इसका मतलब ये भी साथ में जहन में रखें ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ताकत की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है हर बात, ताकत मुख्तलिफ डायरेक्शन में और मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड के साथ लगती है। अगर डायरेक्शन वर्ड आ गया तो उसका क्या मतलब है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये पहले से चल रहा है और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही मैंने फोर्स लगा दी तो एक्सेलरेट करेगा, स्पीड अप करेगा, अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी तो ये तीन काम करेगा, स्पीड डाउन करेगा, डिसेलरेट, एक वक्त आएगा रुक जाएगा और एक वक्त आएगा कि ये अपनी अपोजिट डायरेक्शन ले लेगा। लेकिन अगर ये यहाँ जा रहा है और मैंने साइड से ताकत लगा दी तो अब क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में चले जाएगा, मुमकिन है कि ये स्पीड अप भी करे और डायरेक्शन भी बदल ले अपनी, उस स्ट्रेट लाइन में ना रहे जहाँ ये मूव कर रहा था। ये बात समझ आती है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर है और मैंने ताकत इस डायरेक्शन में लगाई है तो ये स्पीड अप भी करेगा और घूम भी जाएगा। अब देखें कि अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और मैंने ताकत यूं लगाई है तो क्या होगा, ये घूम भी जाएगा और स्पीड डाउन भी करेगा साथ में। ऐसा क्यों होता है, हम हमेशा वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, ये अभी आप कंपोनेंट्स सीखेंगे आगे, एक डायरेक्शन ऑफ मोशन की सिम्त में होता है फोर्स का कंपोनेंट और एक उसके 90 डिग्री बनता है। अब बताने का क्या मकसद है 90 डिग्री से, कि अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैं ताकत लगा दूं, देखें ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैं ताकत लगा दूं 90 डिग्री, अब ये इसकी स्पीड नहीं बदलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर देगा, घुमा देगा, डायरेक्शन बदल देगा। सो इट मीन्स कि जब भी डायरेक्शन बदलती है तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर बदल जाता है, वेक्टर बदल जाता है, और यहाँ कौन सी वेक्टर क्वांटिटी हम लेके चल रहे हैं, फोर्स, ताकत। तो ताकत वेक्टर क्वांटिटी है, हर वेक्टर क्वांटिटी दो तरह से बदलती है, मैग्नीट्यूड बदलने से और डायरेक्शन बदलने से, ये दो वजूहात पे बदलती है और वो दोनों वजूहात हमने देखी। अब ये तो बात हो गई कि ताकत क्या क्या कर सकती है, अब वो ताकत पुश और पुल करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है, आपको देखना पड़ेगा कि एक से ज़्यादा ताकतें लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई। अगर एक से ज़्यादा ताकतें लगी हुई हैं तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। सो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, फोर्स इज द एजेंट, फोर्स एक ऐसा अवामिल है, एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी हालत बदल देगा यानी चला देगा, लेकिन चलाएगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नहीं, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में यानी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में है तो उसके साथ क्या क्या वो कर सकता है, एक्सेलरेट, डिसेलरेट, डायरेक्शन चेंज, ये तमाम काम कर सकता है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ इस टॉपिक पर, इसका मतलब फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ तो मैंने मिला दिया, अब एक और चीज़ इसमें बड़ी असरअंदाज होती है। इस एग्जाम्पल में आप देखें कि एक छोटा बॉक्स है, इसका वजन मुख्तलिफ है, और एक बड़ा बॉक्स है, इसका वजन मुख्तलिफ है, ज़्यादा है। अब मुझे आप ये बताएं कि किस ऑब्जेक्ट पर ताकत लगाकर चलाना आसान है और किस पे मुश्किल है, छोटे वाले पे आसान है, बड़े वाले पे मुश्किल है। इसका मतलब ताकत लगाने के साथ साथ ताकत लगाते हुए एक और फैक्टर बड़ा अहम है यहाँ पर, वो है मास। सो यहाँ पे मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा वो फैक्टर है मास, उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बना है ये कम्प्लीटली ताकत का फॉर्मूला, हम जानते हैं मास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में लगता है, स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। एक और चीज़ यहाँ पे साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जब भी इस तरह से फॉर्मूला लिखा होगा सिंपल स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, तो ये जो वेक्टर है ना, ये जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेक्टर है उसी डायरेक्शन में सेम फोर्स वेक्टर होगा, फोर्स की भी वही डायरेक्शन होगी, या मैं इस तरह भी कह सकता हूँ जो फोर्स की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है, किसी भी एक की डायरेक्शन देख लें और दूसरे के बारे में बता दें कि सेम डायरेक्शन होगी। यहाँ तक बात समझ आती है, सो इट इज़ फोर्स। इसका मतलब फोर्स के लिए अकेला एक्सेलरेशन काफ़ी नहीं है, वरना तो ये दोनों बातें सेम होती, जब फोर्स की बात करते हैं तो मास भी खाते में लेना पड़ता है हमें। सो ये तमाम काम आप ताकत के जरिए करते हैं। अब ताकत को हमने डिफरेंट नाम दिए हैं, डिफरेंट टाइप्स में हमने ताकतों को डिवाइड किया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि जब भी आप सिचुएशन देखें तो उस सिचुएशन के एतबार से आप ऑटोमेटिक उसको डिफरेंट कैटेगरीज में समझ सकें। सबसे पहले मैंने कैटेगरी बनाई है फंडामेंटल फोर्सेस। पूरी कायनात में ना, पूरी कायनात की बात कर रहा हूँ, चार तरह की ताकतें अमल करती हैं बस,
यानी इसके अलावा जितनी भी आप ताकतें देख रहे हैं ना, वो इन चार ताकतों की वजूहात की बुनियाद पर हैं। इनमें से अभी हम दो खत्म कर देते हैं जो बहुत ही स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ताकत क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की वजह से। अच्छा, ये ताकतें आई कहाँ से हैं, पहले तो ये समझ लें। ये ताकतें कुदरत ने हमें दी हैं। कुदरत ने किसी भी मादे को ये चार ताकतें दी हैं। अब ये चार ताकतें क्या हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट मास रखता है, हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होता है। उन मासेस की वजह से जो अट्रैक्शन होती है, यहाँ पर कभी भी रिपल्जन नहीं होती ग्रेविटेशन में, हमेशा अट्रैक्शन होती है। ये आपका ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर भी है। तो जब भी ग्रेविटेशन होगी तो बच्चों आप बताएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या रीजन है, किस वजह की बुनियाद पर ये ग्रेविटेशन की ताकत इस पे अमल में आएगी, कौन सा फैक्टर जो कुदरत ने इसको दिया है, इसका मास, ये जहन में रखना है। जब भी मास की वजह से कोई ताकत अमल कर रही होगी तो उस ताकत को हम कहेंगे ग्रेविटेशन। बट यहां पर आप देखेंगे कि ग्रेविटेशन कब इफेक्टिव होती है, कब ज्यादा असर करती है, हमें प्रोमिनेंट नजर आती है, वाजह तौर पे नजर आती है। कब नजर आती है? जब बहुत बड़े बड़े मासेज होंगे। अभी क्या इनके दरमियान आप अट्रैक्शन देख रहे हैं? नहीं है। अगर अट्रैक्शन होती तो इसका मतलब फोर्स की बात कर रहा हूं ना, या तो ये एक दूसरे के करीब आ रहे होते या दूर जा रहे होते। दूर जाने का मतलब रिपल्जन, ग्रेविटेशन में रिपल्जन नहीं होती, ये सिर्फ करीब ही आ रहे होते। इसका मतलब छोटे मासेस पे ये असर नहीं करता, इसका असर होगा दुनिया, सूरज, चांद, सितारे, बड़े बड़े मासेस पे। तो मैंने एक पाबंदी लगा दी इसके साथ, जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो इसका मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे, बड़े बड़े मासेस। अब कितनी दूर तक इसका असर होता है ग्रेविटेशन का, ये भी साथ में देख लें। इसका असर होता है इन्फिनिटी तक, कहीं भी चले जाएं आप कायनात में ग्रेविटेशन का असर रहेगा। यानी दुनिया एक तरफ रख दूं मैं, अच्छा ऐसी बात नहीं है कि ये छोटा ऑब्जेक्ट है तो, पहले ये भी समझ लें साथ में, ऐसी बात नहीं है कि ये छोटा ऑब्जेक्ट है, दोनों पेन तो इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं है। भाई मास तो है ना, अट्रैक्शन है, लेकिन क्योंकि मास कम है तो ताकत भी कम हो गई। अब वो आपको नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है, आप महसूस ही नहीं कर पा रहे उसको। मैंने इसीलिए वर्ड इस्तेमाल किया प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट जब होगी, जब बहुत बड़े बड़े मासेस होंगे, ठीक है। इसका मास कम है तो मास ज्यादा होगा तो ताकत वाजे हो जाएगी। ताकत कितनी दूर तक असर करती है? अगर ये पेन यहां पर है और इस दूसरे पेन को मैं बहुत दूर ले जाऊं, सूरज से भी आगे ले जाऊं, तब भी इस पेन की ताकत इस पे असर करेगी। आप दूसरी गैलेक्सी पे चले जाएं, इस पेन की ताकत इस पे असर करेगी, यानी कभी खत्म नहीं होती। होगा क्या, फासला बढ़ाने से ताकत का असर मजीद कम होता चले जाएगा फासला बढ़ाने से। तो आपने दो अहम बातें सीखी ग्रेविटेशन में, मास ज्यादा होगा तो प्रोमिनेंट होगी और इन्फिनिटी तक इसका असर होता है। और इसका रीजन क्या होता है? मास, जो कुदरत ने किसी भी ऑब्जेक्ट को दे के रखा है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? कुदरत ने डिफरेंट तरह के मैटर्स बनाए हैं, उनको एक और कुदरत ने खासियत दी है, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। वो होती है चार्जेस की वजह से। मिसाल के तौर पे जैसे आसान करता हूं बात को, आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है। तो है असल में बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक अलग तरह का मास, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, एक अलग तरह का मटीरियल है। प्रोटॉन एक अलग तरह का मटीरियल है, उसके पास एक खासियत है जो चार्ज की खासियत है। अब ये मास की वजह से अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अब आप ये देखेंगे कि अगर इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है तो वो किस वजह से अट्रैक्शन हो रही होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, क्योंकि मासेस की वजह से तो नहीं हो सकती, ये छोटे हैं। अब ये अट्रैक्शन अभी भी मुझे नजर नहीं आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि इस पेन के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज बराबर हैं। अगर मैं किसी तरह से इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकाल दूं तो इसके अंदर कौन से चार्ज बढ़ जाएंगे? नेगेटिव बढ़ जाएंगे। अब बताएं क्या अभी ये अट्रैक्शन या रिपल्जन होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दोनों होती हैं, अट्रैक्शन भी रिपल्जन भी। तो मुझे ये बताएं क्या अट्रैक्शन रिपल्जन होगी? मैंने एक में से पॉजिटिव चार्ज निकाले हैं, इसको नेगेटिव कर दिया, क्या अभी ये इसको अट्रैक्ट रिपेल करेगा? नहीं। उसका रीजन ये है कि ये चार्ज नहीं है। चार्ज चार्ज को अट्रैक्ट करता है, मास मास को करता है। अगर मैं इसमें से भी पॉजिटिव निकाल दूं तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों नेगेटिव हो गए तो रिपेल होंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो भी रिपेल करेंगे। अगर ऑपोजिट चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। सो चार्ज भी एक और खासियत है जो मास के अलावा कुदरत ने मटीरियल को दे रखी है।
अब ये भी साथ में बताता चलूं, ये जो दो ताकतें हैं, ये दो ताकतें सबसे ज्यादा जितनी भी ये जो दो ताकतें हैं, जितनी भी ताकतें आप पढ़ेंगे वो इन दो की वजूहात की बुनियाद पर ही होंगी, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी जो छोटे ऑब्जेक्ट्स में आपको प्रोमिनेंट नजर आएगी, ठीक है, बड़े मासेस में ये नजर आएगी। और बड़े मासेस में ये भी हो सकती है, वही रीजन है कि आप इस दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई, मास ज्यादा है, ग्रेविटेशनल भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, इतना बड़ा मास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे, अगर चार्जेस अनबैलेंस हो जाएं, जैसे दुनिया के सेंटर में लोहा पिघल रहा है मिसाल के तौर पर, अब लोहे के पास चार्जेस ज्यादा होंगे तो क्या हो रहा है, उस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो रही है, तो दोनों भी हो सकती है, यहां तक बात क्लियर है। लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी। ये जो स्ट्रांग फोर्स है और वीक फोर्स है, ये बहुत ही स्पेशल केसेस हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का असर कहाँ होता है, आपने देखा चार्जेस की वजह से, और इसका असर भी इन्फिनिटी तक रहता है। अगर एक चार्ज यहाँ है और दूसरा चार्ज मैं ले जाऊं सूरज से भी आगे, गैलेक्सी से भी आगे, तब भी उसका असर रहेगा, लेकिन फासला बढ़ने के साथ साथ कम हो जाएगा। ये जो दो फोर्सेज हैं, स्ट्रांग फोर्स और वीक फोर्स, ये दो फोर्सेज बहुत ही स्पेशल केसेस हैं। ये आपको नजर आते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस असल में आप इस तरह उसको समझ लें कि एक प्रोटॉन असल में एक सिंगल पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो एक सिंगल पार्टिकल है, अगर आप प्रोटॉन को तोड़ना चाहेंगे तो तीन पार्टिकल्स उसमें से निकलेंगे, उसको हम कहते हैं क्वार्क। इसी तरह से अगर न्यूट्रॉन तोड़ेंगे तो उसमें से भी तीन पार्टिकल्स निकलेंगे, वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है न्यूट्रॉन, वो तीन छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, वो भी क्वार्क है। अब इन क्वार्क्स को जोड़ने के लिए जो ताकत चाहिए, जो ताकत रिक्वायर्ड होती है, जो क्वार्क्स के दरमियान होती है, वो स्ट्रांग फोर्स कहलाती है, बस आप इतना समझ लें। इसका मतलब ये एक स्पेशल केस है। और ये कब अमल में आती है, अगर दो क्वार्क इतनी दूर होंगे तो असर नहीं करेगी, इन दोनों का याद है ना, इन्फिनिटी में भी असर रहता है, जब क्वार्क न्यूक्लियस के डिस्टेंस पर आ जाएंगे, बहुत ही नजदीक हो जाएंगे, तब ये असर करेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्वार्क्स के दरमियान। इसी तरह से ये ताकत भी, वीक फोर्स, एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है, ये भी एटॉमिक स्केल पर ही काम करती है। तो ये दो ताकतें तो आपको इतनी ज्यादा नजर नहीं आएंगी, इसका मतलब इसको तो हम निकाल दें, सिर्फ कुदरत की मेहरबानी है कि हमें इन दो ताकतों को ध्यान में रखना है। तो बाकी जितनी भी आप टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो सब इनकी वजह से होंगी। अब आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, के वो ताकत जो कांटेक्ट में आने के बाद, दो ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आने के बाद असर में आए। क्या मैं इस पेन को बगैर कांटेक्ट में लाए इसको दूर पुश या पुल कर सकता हूं? नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर मुझे इस पेन को पुश या पुल करना है तो मुझे इसके साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो अप्लाइड फोर्स है। सो अप्लाइड फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब अप्लाइड फोर्स के बारे में देखें कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ के पार्टिकल और इसके पार्टिकल एक दूसरे पे ताकत लगा रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, रगड़ की ताकत, आपने कोई डब्बा रखा जमीन के ऊपर और उसको धकेलना शुरू करें, ताकत लगाएं, तो मुझे ये बताएं क्या वो डब्बा स्मूथली आगे बढ़ जाएगा? जितना ज्यादा आपका फर्श इररेगुलर होगा, स्मूथ नहीं होगी, टेढ़ा मेढ़ा होगा, उतना ही मुश्किल होगा उसको आगे जाना। सो इसका मतलब ये है कि इररेगुलर सरफेस की वजह से जो ताकत असर करती है वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाती है, रगड़ की ताकत कहलाती है। और रगड़ की ताकत क्या, मैंने जमीन से ये पैन इतना ऊपर उठाया हुआ है, क्या रगड़ की ताकत होगी? नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ही रगड़ की ताकत होगी। इन दोनों में से कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि इस पेन के और इस फर्श के आपस में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और आगे बढ़ते हुए वो बॉन्ड हम तोड़ रहे होते हैं, इसलिए हमें ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है। वो बॉन्ड किस वजह से बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। टेंशन, ये टेंशन जिंदगी वाली टेंशन भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है, जो रोजमर्रा की बुनियाद पर आप लोगों को होती है एग्जाम की वजह से। असल में फिजिक्स की दुनिया में ये जो टेंशन है ये डोरी की या रस्सी की ताकत को कहते हैं, ठीक है। डोरी के आप देखें कि अगर आप एक रस्सी ले लें, रस्सी एटम से मिलकर बना है, ठीक है, वो जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत टाइट बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो टेंशन की फोर्स जो है वो डोरी की ताकत, ये देखें, ये आप माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, और ये ताकत का जो व्यू है वो कौन सा व्यू है? मैक्रोस्कोपिक है, ब्रॉड व्यू है।
सो इसका मतलब टेंशन की ताकत क्या होती है, जब किसी भी डोरी की वजह से, किसी भी रस्सी की वजह से आप किसी ऑब्जेक्ट पर ताकत लगाते हैं, तो जो डोरी की आपस में ताकत होती है वो टेंशन की फोर्स कहलाती है। अब बात करते हैं नॉर्मल की फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स क्या है, ये समझ लें कि आपने एक डब्बा फर्श पे रखा, अब वजन की वजह से, जमीन की ताकत कशिश की वजह से ये डब्बा नीचे जा रहा है, सो इस डब्बे को जमीन के सेंटर में चले जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जाता। उसकी वजह क्या है, जो सरफेस है वो उस पे ऊपर ताकत लगा रही है। देखें फ्रिक्शन में और नॉर्मल में फर्क समझें। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जब तक आप इस ऑब्जेक्ट को आगे नहीं धकेलेंगे फ्रिक्शन अमल में नहीं आएगी, ये आगे जाने की वजह से हो रही है। और नॉर्मल फोर्स किस वजह से अमल में आ रही है, जब डब्बा नीचे खींच रहा है तो उसकी जो सतह है वो उसको ऊपर रखने में मदद दे रही है। ठीक है, ये दो अलहदा अलहदा बातें हैं। अब नॉर्मल फोर्स का भी क्या रीजन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब बात करते हैं स्प्रिंग की फोर्स। अगर किसी स्प्रिंग के साथ आपने इस मास को अटैच कर दिया, यहां पर स्प्रिंग हो, अब आप इस बॉक्स को आगे खींचेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग के पार्टिकल्स आपस में इलास्टिक हो जाएंगे, ये इलास्टिक फोर्स भी कहलाती है स्प्रिंग फोर्स। तो इस खिंचाव की वजह से, ये खिंचाव भी किस वजह से हो रहा है, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। सो ये ताकत भी कब अमल में आती है, जब कॉन्टैक्ट में आए ऑब्जेक्ट। इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस फोर्स, हवा की जो मज़ाहमत होती है उसकी वजह से, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकूंगा और हवा मौजूद है, ज्यादा अगर हवा मौजूद होगी तो क्या होगा, ये स्लो स्लो गिरेगा। ठीक है, इसमें एक और अमल होता है, वो आप आगे जाके, अभी आप लोगों की क्लास में नहीं है, टर्मिनल वेलोसिटी का, तो वो अमल इसमें एयर रेजिस्टेंस की वजह से आ जाता है। मिसाल के तौर पर एयर के अलावा आम तौर पर ये ड्रैग फोर्सेस कहलाती हैं। ड्रैग का मतलब कोई मीडियम होने की वजह से, अभी अगर हवा मौजूद ना हो मैं इसको फेंकूं तो ये तब तेजी से नीचे आएगा, या मैं पानी के अंदर इसको फेंकूं तब तेजी से नीचे आएगा, बगैर हवा के आएगा यकीनन। तो जिस तरह से पानी एक मीडियम है, हवा भी एक मीडियम है, मीडियम डेंस करते चले जाएंगे आप, मीडियम की डेंस मीडियम करते चले जाएंगे, वेलोसिटी उतनी कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये भी कब होगा, जब मीडियम के साथ ये ऑब्जेक्ट आएगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या एक्शन एट डिस्टेंस। नॉन कॉन्टैक्ट नाम से ही नजर आ रहा है, जो कॉन्टैक्ट में ना आए बगैर हो जाए। मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है आपस में कॉन्टैक्ट में, नहीं, लेकिन घूम रही है तो इसका मतलब डायरेक्शन बदल रही है जमीन, मुसलसल एक्सेलरेशन हो रहा है, इट मींस के ताकत लगी हुई है। अब ये जो ताकत लगी हुई है, बड़े बड़े मासेज हैं, सो यकीनन ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, फंडामेंटली ये ग्रेविटेशनल है। यहां तक बात समझ आती है? सो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है, एट्रैक्टिव फोर्स होती है, और उसका रीजन क्या होता है, मासेज, और ये छोटे मासेज पर नहीं होती, बड़े मासेज पर होती है। ठीक है, और इसका असर कहां तक रहता है, इंफिनिटी तक, कहीं भी ले जाए इसका असर खत्म नहीं होगा। हाँ, कम होता रहेगा लेकिन खत्म नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्जेस की वजह से जब ताकत अमल में आती है, ये भी एक्शन एट अ डिस्टेंस होता है। ठीक है, एक चार्ज यहां पर हो, एक चार्ज यहां पर हो, तो अट्रैक्शन रिपल्जन होती है, क्या कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है। इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट अगर सेम पोल होंगे तो रिपेल कर देंगे, एक्शन एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस में ही ये एक दूसरे पर असर कर रहे हैं। अब ये बात करते हैं हम फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस फोर्स क्या है, फिक्टिशियस फोर्स जो वर्ड आपको नजर आ रहा है इसका मतलब ये धोखा है, झूठी फोर्सेस हैं, झूठी ताकतें, ये असल में है नहीं। जब मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे आऊंगा तो उससे पहले मुझे आपको एक टॉपिक पढ़ाना है, वो टॉपिक आपका होगा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि फिक्टिशियस फोर्सेस क्या होती हैं, असल में ये धोखे वाली फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस हैं नहीं, लेकिन जब आप एक खास सिचुएशन में आ जाते हैं तो ये ताकतें आपको दिखती हैं, असल में होती नहीं। सिर्फ अभी नाम सीख लें, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में है और आप उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं, जैसे बस है, अगर वो बस एक्सेलरेट कर रही है और आप उसी बस के अंदर मौजूद हैं, तो बाहर खड़ा हुआ शख्स आपको क्या नजर आएगा कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, आप नहीं कर रहे। सो इसका मतलब क्या, बाहर खड़ा हुआ शख्स एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं, वो फिक्टिशियस फोर्स है, वो धोखा दे रही है आपको कि वो असल में वो नहीं कर रहा, असल में तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं आप उसको मानते ही नहीं है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, आप तो सराउंडिंग के हिसाब से बाकी चीजों को देख रहे होते हैं। सो ये एक फिक्टिशियस फोर्स है। इसी तरह से एक कोरियोलिस फोर्स है, इसको भी हम देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नाम सुन रखा होगा, ये भी एक फिक्टिशियस फोर्स है, ये असल में नहीं होती। ये तीन फोर्सेस नीचे की रोटेटिंग फ्रेम में आती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो और आप उसमें मौजूद हो तब ये तीन फोर्सेस आपको नजर आएंगी।
अच्छा लास्ट फोर्स जरा आप देखें, अदर्स में मैंने लिखा है, ठीक है, इसका मतलब कई तरह के फोर्सेस के नाम होते हैं और हम उसको कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे फंडामेंटल क्या है, ये चार फोर्सेस, इसमें से दो ये आपको नजर आती हैं। एक और फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो एक ताकत सेंटर की जानिब लग रही होती है हर वक्त, वो ताकत की वजह से ऑब्जेक्ट सेंटर सर्कुलर मोशन में घूमता है और वो ताकत सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। सो ये ताकत से मुतालिक बातें थी, जो अहम बातें थी। अब जब भी आप कोई फोर्स देखेंगे तो आपने लाजमी उसके बारे में खुद सोच लेना है, क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट है, क्या ये फिक्टिशियस है, क्या कोई और तरह की फोर्स है, और ये फंडामेंटल फोर्सेस में कहां पर किस कैटेगरी में आएगी, फौरन से सोच लेना है आपने। फोर्स से मुतालिक कोई और सवाल? तो फोर्स में दो फैक्टर असर करते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेट का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होगा या डायरेक्शन बदल रहा होगा या दोनों। तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी हुई है। क्या जरूरी है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ही करेगा ताकत लगाने पर? जरूरी नहीं है। अगर एक से ज्यादा, अगर एक सिंगल ताकत है या अनबैलेंस फोर्स है, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, तो लाजमी अनबैलेंस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट ये काम कर रहा होगा। और यहां पर इस फॉर्मूले में जो मास लिखा हुआ है ये इनर्शियल मास कहलाता है। यह आगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मजीद क्लियर कर दूंगा मैं। कोई सवाल?